बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है और वो आ गए हैं अपने घर। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद एक्टर ने अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, तो चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में कि अब कैसी है मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत। बॉलीवुड के दिग्गज और चहेते एक्टर मिथुन चक्रवर्ती फाइनली अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और उनकी हेल्थ में काफी ज्यादा सुधार है। ये देखते हुए उन्हें छुट्टी दे दी गई। एक्टर ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक है। उनकी बिगड़ी सेहत के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से डांट खानी पड़ी। जी हाँ, अपने स्टेटमेंट में मिथुन चक्रवर्ती ने ये बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और उनके हेल्थ के बारे में अपडेट लिया। आपको बता दें, एक्टर मिथुन चक्रवर्ती बीते दो दिनों से कोलकाता के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे। 73 इयर्स के मिथुन को अचानक से सीने में तेज दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि उन्हें स्ट्रोक आया था। एक्टर तब से डॉक्टर्स की देखरेख में थे और अब फाइनली उनकी तबीयत में सुधार हुआ और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। एक्टर ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि मुझे बस अपने खानपान पर ध्यान देने की जरूरत है, देखते हैं मैं जल्द ही काम करना भी शुरू कर सकता हूँ और शायद कल से ही। आपको बता दें कि एक्टर काफी ज्यादा फिट तो नहीं नजर आए, लेकिन हाँ, हर कोई उनकी तबीयत खराब की बात सुनते ही उनके अच्छी सेहत की दुआएं मांगने लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।